अभी आप आईपीएल से पहले जो सीएसके की ट्रेनिंग हुई है ओके, तो उससे पहले जो पैनल था पूरा आईपीएल का, वो डिस्कस कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट आईपीएल है। तो यार उनको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस कंट्री के लिए क्रिकेट में क्या कुछ किया है और वो क्या क्या चीज डिजर्व करता है। और वो जब ट्रेनिंग पर आया ना, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो चेन्नई का स्टेडियम है वो फुल जैम पैक था, क्योंकि लोग उसको आखिरी दफा आईपीएल में देख रहे हैं। वाकई जा रहे हैं, इज इट इज लास्ट आईपीएल? यस, बंदा तो छक्के मार रहा है यार। और अभी उसने लास्ट दो मैचों में तीन बॉलों पे 14 पे किया, दो बॉलों पे 16, दो बॉलों पे 12 पे किया। मार्कवुड को छक्के मार दिए उसने दो। और उसने पता क्या किया, वो सिर्फ टेनिस खेला है, उसने फार्मिंग की है, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की। तो यानी सोचो इसका क्या लेवल हो यार बंदा। और इसलिए वो इतना उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि यार उसको हर जगह ये बात चल रही है, माही का आखिरी है, माही का आखिरी। महेंद्र सिंह धोनी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया की हिस्ट्री का। सक्सेसफुल आई थिंक इज अ स्मॉल वर्ड जो हम, क्योंकि आप तो क्रिकेटर हैं, आप देख रहे होते हैं यार ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से एकदम चेंज कर देता है। हमारे यहाँ भी इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं, बाकी जगह पे भी कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस या आपको फौरन मिल नहीं पाती। लेकिन वो यार मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखा था, कैप्टन तो विराट कोहली थे लेकिन सारी कप्तानी धोनी भाई कर रहे थे। इट मेक्स सेंस, यस इट मेक्स सेंस। इवन के जब विराट कोहली अभी 2019 के वर्ल्ड कप को देख लें आप, अभी आखिरी वाला जो वर्ल्ड कप भी हुआ है T20 का, 19 वाले वर्ल्ड कप से पहले, तो मैंने धोनी को हमेशा देखा कि यार वही फील्ड प्लेसमेंट आगे पीछे कर कर आके सारे गाइड करके, और नजरें यूं, ये तो नजरें ही होती है ना उनकी, यूं करके, ओह माय गॉड लीथल। माई भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, अच्छा कि यार आप इतना प्रेशर गेम है, कोई भी आप हम देख रहे होते टीवी पे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस में भी आपके चेहरे से फील नहीं होता कि आपको कोई प्रेशर है, आप इतना काम एंड कंपोजर होकर हर चीज़ को डील कर रहे थे, व्हाई और कैसे? उन्होंने कहा मैं कभी रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, ओके मैं हमेशा रहता हूँ लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट के उस बॉल पर क्या होना, ओके कह रहा मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है, तो इसलिए ना मेरे दिमाग में फिक्र होती है कि आगे क्या होगा और क्या हो गया, ये तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट लिविंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, और मैं कभी नहीं सोचता कि आज मैं मैच में जा रहा हूँ तो मेरी बैटिंग से कितने रन निकलेंगे बल्ले से, मैंने कितने ग्लव्स मेरे कैच पकड़ेंगे, मेरे मैच का रिजल्ट क्या होगा। कह रहे मैं जब टॉस पे जाता हूँ तो मैं टॉस एंजॉय करता हूँ, जब मैं ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ तैयारी करता हूँ तो उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, उसके बाद मैं बॉल बाय बॉल फोकस करके उस मोमेंट को एंजॉय। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं, दिखने में लोगों को सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है। 300 बॉलें टेस्ट क्रिकेट या 120 बॉलें मुसलसल लेके चीज सोचना कि यार प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट इन द मोमेंट, ये आसान। अच्छा एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है महेंद्र सिंह धोनी की, एक बैट्समैन खेल रहा है बड़ा, ठीक है आपने नेक्स्ट लेवल कैच कर लिया और आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे वो चीज ना मुझे पर्सनली लगती थी कि यार इज इट टू चिल फॉर यू, इतना मतलब इतना नॉर्मल है, आउट, अच्छा आउट मांग लिया, ओके ठीक है। ये जो प्रेजेंट मोमेंट वाली ना, वहां से मैं मुझे समझ आया कि हाँ यार ये एक तरह से ना एक वो चल रहा है, असाइनमेंट है, ठीक है ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यार सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक का मुख्तलिफ नजरिया होता है, लेकिन वो बंदा जिस टोन में जा रहा है, जो सोच उसकी है, तो फिर वो दिख रही है सारे प्लेयर्स के अंदर। और इसकी मिसाल सबसे ब्राइट है, जब उसने बात बोली तो मैंने उनको यही बात बोली थी, मैंने कहा भाई भाई आपका 2011 का वर्ल्ड कप लास्ट बॉल पे वो आखिरी छक्का वो देख रही हूं, और उसके बाद मैंने देखा कि आपने वो सेलिब्रेशन उस लेवल की नहीं है जो एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई भी टीम दुनिया ही करे या कोई भी प्लेयर करे। युवराज सिंह वाज क्राइंग, यस, तो मैंने कहा आपने यूं मारा, यूं बल्ले को घुमाया, ऐसे अंदर किया, और थैंक यू सो मच कर दिया, मतलब आपके लिए कुछ था ही नहीं एग्जैक्टली।